हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल ग्लैन सर्विस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मारिया डीबी, रैबिट एम क्यू, मैम कैश और एस एस टी पी, अपाची सर्विस और की स्टोन की सर्विस हमने यहाँ तक इंस्टॉल कर ली। अब हमें ग्लैन सर्विस इंस्टॉल करनी है और उससे पहले हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक यूज़र मेरा क्रिएट हो रहा है, डोमेन मेरा डिफ़ॉल्ट है, प्रोजेक्ट सर्विस है, क्योंकि ये ग्लैंस नोवा ये सारी सर्विसेज के अंदर ही बनेगा। इसका पासवर्ड मैंने रेड हैट दिया है और ग्लैंस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। उस यूज़र को मैं एडमिन रोल दे रहा हूँ, तो ये उसकी कमांड है। मैं सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ मेरा कंट्रोलर का आईपी क्या है, मेरा कंट्रोलर आईपी, अब मैं मुझे एंड पॉइंट्स क्रिएट करने हैं ग्लाइंट्स के। तो तीन एंड पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखना, पब्लिक, इंटरनल और एडमिन। जब भी बिटवीन द कंपोनेंट्स, जब भी कम्युनिकेशन होगा दो कंपोनेंट्स के बीच में, जैसे अगर ग्लाइंट्स जो है नोवा से बात करेगा या कीस्टोन से बात करेगा, तो अपने एंड पे तीन एंड पॉइंट्स क्रिएट करता है। तो एंड पॉइंट्स हमेशा होता है इंटरनल, पब्लिक, इंटरनल और एडमिन। तो मैं मारिया डीबी में लॉग इन कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना है क्लाइंट डेटाबेस के अंदर, क्रिएट हो गया। इस डेटाबेस को मैं एक्सेस कर सकूँ लोकली, तो सारे प्रिविलेजेस मैं दूंगा। इसको मैं बाहर से भी एक्सेस कर पाऊँ इसी डेटाबेस को, क्लाइंट्स की सारी सर्विसेज, प्रिविलेजेस।
अब मुझे की ग्लैंड की पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये क्लेंस की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इस बात पे इसे कॉपी करके रख ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कभी कुछ हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बी आई एडिटर से मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में गया, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, हमें इसको चेक करना है। कमेंट करिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा उठा के कॉपी कर दो, ठीक है। फाइल सिस्टम, यहाँ पे हमारी सारी क्लाइंट्स मीन्स हमारी सारी इमेजेस यहाँ स्टोर हो गई। उसके बाद मैं कनेक्शन सर्च करता हूँ, मुझे लग रहा है कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं डेटाबेस सर्च करता हूँ, डेटाबेस में ये लाइन पूरी कॉपी कर दो, पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ तक सेव कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सर्च करो,
इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, ये परमिशन दी मैंने, ठीक। रूट क्लाइंट्स की परमिशन चेंज करें, पूरी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस सिंक होना चाहिए। देखिए डेटाबेस सिंक सक्सेसफुली। इस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एनेबल करेंगे, ऐसे लिनक्स को ऑन करेंगे। ऐसे लिनक्स तो ऑन है, बस उसको हमें सेट बूलियन परमिशन देनी है नेटवर्क के लिए। ये मेरा फायरवॉल में ऐड हो गया है, उसको रीलोड करना है। ओपन स्टैक, प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है। यूजर लिस्ट, हमारा पहले एक यूजर था, एक और हमने ग्लैंस बना दिया है। माई एस क्यू एल हाइफन यू हाइफन रूट हाइफन पी रेड हैट सो डेटा बेसिस जाएंगे। हमारा है डेटा बेस यूज ग्लैंस, डेटा बेस को हम चेंज करेंगे, सो टेबल्स, ओके, एग्जिट। तो हमने यूज़र क्रिएट कर लिया है और डेटाबेस में हमारी एंट्री हो गई है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लैंस। ग्लैंस हमारा बन गया है। नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और ग्लैंस में कैसे अपलोड करते हैं। सो आई एम एंडिंग राइट नाउ। ये हमारा दूसरा सेशन ख़त्म हो गया।